जीना तेरे दर ते आवे उनू ना मोड़े कदी तू खानी। जीना तेरे दर ते आवे कदी ना मोड़े उनू खानी। जदों दी है असी होश संभाली अल्लाह तेरे दर्द सवाली। किसे दे दर असी जाना नहीं हो किसे दिन दर असी जाना नहीं हो। खैरा तू ही पानिया खालिका तेरिया ने सब मेहरबानिया। राज़िका तेरिया ने सब मेहरबानिया। मौला तेरी शान नू वेखा झुकदे कुल जहान नू वेखा। मौला तेरी शान नू वेखा झुकदे कुल जहान नू वेखा। मौला सोने कर दे करम तू असी हुन तेरे दर ते आए। तेरे सिवा असी किते जाना नहीं हो तेरी ही दर नू रखई मौला। तेरा दर असी छड़ के मौला तेरा दर असी छड़ के मौला। किसे दे दर असी जाना नहीं हो। खालिका तेरिया ने सब मेहरबानिया। राज़िका तेरिया ने सब मेहरबानिया। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक दी जात व बरकात वास्ते अनगिनला तादाद दुरूद व सलाम अकाए दो जहां सरवर कुनैन इमाम आजम कैद आजम मुर्शिद आजम इमाम नाफिल दुनिया व इमाम नाफिल आखिरा व इमाम नाफिल जन्ना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात गिरामी दे हजरात व हाजरीन सामईन इकराम। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बहुत बड़ा एहसान है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू इस गैर गुजरे दौर अंदर अपने घर अंदर आने दी तौफीक अता फरमाई है। हजरात मैं आज खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर जो मौजू जो उनवान तुसाहबाब दे सामने बयान करना चाहना हाँ वो है कि दुआवां सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। दुआवां सुनने वाली किस कौन केड़ी जात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात है। हजरात दुआ दे कई एक मानी है लेकिन दुआ का लुगवी माना पुकारना है। दुआ का माना इबादत भी है। दुआ का मतलब मांगना भी है लेकिन असी किस दे सामने अपनी पुकार नू रखना है। असी किसी चीज की दुनिया ते जरूरत होवे ते किंदे कोल मंगनी है वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात। क्योंकि अज दुनिया के साडे मुआशरे के हालात इंज के हालात बन गए ने। हर बंद ने अपना लहदा लहदा मबूद फड़िया होया है। हर बंद ने अपना लहदा लहदा जनाब इलाह पकड़िया होया है कि मेरा फलाना पीर है जी वो भी पुत्र भी देंदा है जी वो ते जनाब सारिया मुश्किलां भी हल कर दे जी। उन्दे कोलों जिहड़ा भी बंदा चला जांदा कदे खाली मुड़दे ही नहीं है। हजरात दे मोहतरम ये अकीदा मुसलमान बंदे का अकीदा नहीं। ये अकीदा किसी इस्लाम वाले बंदे का अकीदा नहीं बल्कि ये अकीदा मक्के दे मुशरकीन का अकीदा सी। वो भी ये क्या क्या करते सन के जेडे एलान ते मनाब ते उज्जा ते हुबले ना ऐसी इन्हां दे अगे बयान करने हां ते इन्हां दी अगे अल्लाह दे अगे हुंदी है। ये अकीदा किन्हां दा अकीदा सी मुशरकीन ने मक्का दा। ते इस करके हजरात मोहतरम इबादत दे लायक भी अगर कोई जात है तो वह अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात है। दुआवां सुनने वाली कोई जात है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात है। अल्लाह तो अलावा
कोई भी दुनिया ते बंदा एक मक्खी दा पर ते दूर दी गल है, मक्खी दे पर दे जिहड़ा एक हिस्सा वह भी बंदा नहीं बना सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया के उत्ते पूरी कुदरत रखने वाले हैं, इस पूरी दुनिया का कायनात का निजाम चलाने वाले ने ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात है। अल्लाह तो इलावा कोई भी कुछ कर सकता नहीं है। इस करके जो भी दुआ करनी है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने झुकना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलो दुआ करनी है। हजरात मोहतरम और कुरान पाक अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सानू इस बात का हुक्म दिता है कि दुनिया के लोगो मैं रब के दर ते आओ ना, मैं रब कोलो मंगो तो सही, मैं रब तुहाड़ियां दुआवां कबूल करांगा, मैं रब तुहाड़ियां इल्तिजावां कबूल करांगा। लेकिन असी जनाबे वाला दुआ ते करने आ, दुआ करने आ, लेकिन कहने आ मौलाना साड़ियां दुआवां कबूल नहीं होंदियां, असी बड़ा कुछ मंगने आ साड़ी दुआ कबूल ही नहीं होंदी। इहदे तीन मतलब मुहद्दिसीन मुफस्सरीन ने बयान कीते ने कि दुआ दे तीन मतलब ने, या ते अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे दी दुआ फौरन कबूल कर लैंदे ने, अगर फौरन कबूल नहीं होंदी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दे सामने जिहड़ा वह बंदा दुआ कर दे ना, उस दुआ की वजह तो अल्लाह आने वाली कोई ना कोई मुसीबत उस बंदे तो दूर हटा देंदे ने। अगर ये भी काम ना होए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया दे कीती हुई अल्लाह दे कोलो दुआ और अल्लाह रब कयामत वाले दिनों का सिला अता करदा है। आइए दरा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुरान पाक ते दरा गौर करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने कि दुनिया कायनात दे लोगो मैं रब कोलो दुआवां करो, मैं रब दे सामने आओ, मैं रब तुहाड़ियां दुआवां कबूल करांगा। आइए दरा अल्लाह दे कुरान पाक ते दरा गौर करना। मेरी अल्लाह मालिक अगे दुआ है कि जो मैं बयान करा और जो तुस अहबाब समाज फरमाओ अल्लाह सानू सारिआं नूं उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम है ना, नबी पाक ते मोहब्बत नाल दुरूद पढ़िया करो। नबी पाक दा नाम सुन के दुरूद पढ़ने वाले बंदे दे अल्लाह 10 दर्जा बुलंद कर देंदे ने, 10 नेकियां बुलंद कर देंदे ने। अल्लाह पाक उस बंदे दियां नामा मान विच 10 नेकियां लिख देंदे ने। हजरात अल्लाह दे पैगंबर दा नाम है दुरूद पढ़िया करना, उस नबी ते दुरूद पढ़ना, जिस नबी ते दुरूद आसमान वाला रब भी दुरूद भेजदा है। उस नबी ते दुरूद पढ़ना जिस नबी दियां सिफतां अपने भी करदे ने, उस नबी ते दुरूद पढ़िया करना जिस नबी ते दुरूद अपने भी पढ़ते ने, जिस नबी दियां सिफात बेगाने भी करदे ने। उस नबी ते दुरूद पढ़ना जिंदा दीवाना दुश्मन भी है ते जिंदा दीवाना ओ अपना भी है। उस नबी ते दुरूद पढ़ना इस करके मैं ते जगह जगह कहंदा फिरना हां कि मेरे आका दियां सिफतां पे कर दा जमाना आए, मेरे आका दियां सिफतां पे कर दा जमाना आए, मेरे आका दियां सिफता पे करम दा जमाना आए, मेरे आका दियां सिफता पे करम दा जमाना आए। सब सोहने अब तो सोहना हसनैन दा नाना आए, सब सोहने अब तो सोहना हसनैन दा नाना आए, मेरे आका दियां सिफतां रब कसमा उठाया ने, रब कसमा उठाया ने, विच कुरान दे आया है, रब कसमा उठाया ने, रब कसमा उठाया ने, विच कुरान दे आया है। चेहरा मेरे आका दा
ओ चेहरा मेरे आका जिवें हुसन खजाना है, चेहरा मेरे आका जिवें हुसन खजाना है, सब सोहने अब तो सोहना हसनैन दनानाए, मेरे आका दिया सिफता ओ क्यों आखा में चन वरगा जग जान दसाराए, क्यों आखा में चन वरगा जग जान दसाराए, मेरे आका मदनी दार, मेरे आका मदनी दार, लोगो चन भी दीवाना है, मेरे आका मदनी दार, लोगो चन भी दीवाना है, सब सोहने अब तो सोहना हसनैन दनानाए, अब हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने दुनिया कायनात दे लोगो दुनिया जहान दे लोगो काला रब्बुकुम उदउनी उदउनी, अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदियां आना मंगना मैं रब दे कोल मंग उदउनी अस्तजिब लकुम, आ बंदियां अपनी मुश्किलात मैं रब दे सामने रखना मैं रब तेरिया मुश्किलां नु हल करा, उदउनी अस्तजिब लकुम आना बंदिया मेरे को अपनी हाजात मेरे रब दे सामने रखना, अस्तजिब लकुम बंदिया मैं तेरिया हाजात नु मन लवा, उदउनी अस्तजिब लकुम बंदिया आना मैं रब को मंगना मैं रब तेरिया दुआवां कबूल कर लवांगा मैं रब तेरिया पुकारा नु सुन लवांगा, अगे फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्त तकबीरूना अन इबादती, फरमाया ओ लोग जेड़े लोग मैं रब कोल मंगन तो गुरेज कर देने, मैं रब दा दर छड़ के किसे होर ते दर ते जांदे ने, मैं रब दा पल्ला छड़ के किसे जनाब पीर दे सामने लुहाउजारियां कर देने, मैं रब नू छड़ के किसे जनाब कोड़े शाह दे सामने जांदे ने, मैं रब नू छड़ के किसे नांगे साह दे सामने जाके आहुजारियां कर देने, मैं रब दे कोल मंगम तो गुरेद कर देने, फरमाया सैयद खुलून जहन्नम दाखिलीन, मैं रब इन्ना लोगों नु जलील करके जहन्नम विच दाखिल कर देवांगा, हजरत मोहतरम रब दर चुनना अपने मालिक दे सामने आना अपने अल्लाह दे सामने आहुदारियां करना, आ वेख मेरी तेरी मां सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु तआला नाल जदों मां जी आयशा ते मुनाफिकीन ने तोहमत अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकीन जालम ने मेरी मां आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा ते जो तोहमत लगाई नाल सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर विचों अपने अब्बे सिद्दीक दे घर विच चलियां जांदियां ने, ते हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा अपने अन्हा अपने घर अंदर ने अल्लाह दे नबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा दे कोल आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने आयशा जे गलती हो गई है ते कोई गल नहीं तौबा कर लौना रब को माफी मंग लौना, अल्लाह लंते मां जी सैयद आयशा रज़ी अल्लाहु तआला हरों लग जांदियां ने आंदियां ने महबूबा किंज दियां गल्लां करदे हो मां नू क्या मां दसो ना नबी पाक नू किंज दियां नबी पाक गल्लां करदे पैने, अब्बे सिद्दीक नू क्या पूजे दसो ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किंज दियां गल्लां करदे पैने, मां जी
ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਨੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਉਠਾ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐ ਮਾਲਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆ ਮਾਲਕਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਤੇ ਤੁਹਮਤ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਾਦਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਏ ਐ ਅਰਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆ ਮਾਲਕਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਗਮ ਆਏ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਏ ਐ ਅੱਲਾ ਐ ਅੱਲਾ ਅਰਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੇ ਤੁਹਮਤ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਏ ਐ ਮਾਲਕਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਆਇਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਇਸ਼ਾ ਰੋ ਰਹੀ ਏ ਇਨਮਾ ਅਸ਼ਕੂਬਤੀ ਵਾ ਹੁਜ਼ਨੀ ਇਲੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯਾਕੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਮ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਆਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਰਦੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਇਤਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 10 ਸੂਰਤਾਂ 10 ਐਤੇ ਹੀ ਮਾਂ ਜੀ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਨਾਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਨਿਆ ਅਲ ਖਬੀਸਾ ਦੁਲ ਖਬੀਸੀਨਾ ਵਲ ਖਬੀਸੂਨਾ ਲਿਲ ਖਬੀਸਾਤ ਵਲ ਤੋਇਬੂਨਾ ਲਿਲ ਤੋਇਬਾਤੀ ਵਲ ਤੋਇਬੀਨਾ ਤੋਇਬਾਤ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਐ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਗੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਨ ਦੇ ਮਰਦ ਗੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਤਈਬੂਨਾ ਨਿਮਤਈਬਾਤ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਰਦ ਚੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਬੂਨ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਮਾਂ ਐਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫਲਿਆ ਜੈਨਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਆਹੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੈਨਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੋੜਦਾ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਆ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੈ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਅੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੇਰੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਆ ਜਾ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹਨਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਨਾਏ ਆ ਜਾ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹਨਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਨਾਏ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਾਨਾ ਕਣੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਹ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮਾਰਾ ਸੱਦ ਮੈਂ ਆਪ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਦਾਨ ਨਾ ਮੋੜਾਂ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤਿਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਵੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਵਾਂ
औलाद ओ तेनु माल औलाद मैं जर दीवान ओए खाली हथियां वे झोली भर दीवान ओ तेनु माल औलाद मैं जर दीवान ओ तेरी हर एक मुश्किल हल कर दीवान पढ़ो ला इलाहा अल्लाह अल्लाह फरमांदे ने आज बंदिया मैं रब दी दरतियां ते सही ना मैं रब दे सामने झुक ते सही ना मैं रब दी जात इंज दी जानते लाता खुदहु सिना तू अला नौम दुनिया सो जांदी है जग सारा सो जांदा है मैं रब नु ना नींद आंदी है ना ही ऊंग आंदी है ना मैनू नींद आंदी है ना मैनू ऊंग आंदी है ना अपनिया हुजारियां मैं रब दे सामने रखना अल्लाह फरमांदे ने और रावा जागदा मैं कदी सौंदा नहीं और रखी जग दी करांग लौंदा नहीं और रावा जागदा मैं कदी सौंदा नहीं रखी जग दी करांग लौंदा नहीं और तू फिर भी बंदिया मेरे दर आउंदा नहीं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह दा कुरान फरमाया अल्लाह फरमांदे ने वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम बंदिया आना मैं रब दे दर ते आना तू दुआ कर की मंगना चाहना है मैं रब तेरी दुआ नु कबूल कर लवांगा आ ते सही मैं रब दे दर ते आ ते सही आहो जारियां कर दे सही तू लोकां दे सामने रोंदा फिरना है तू लोकां दे सामने तलियां अड़दा फिरना है तू लोकां दे सामने चोलियां अड़दा फिरना है ओ बंदिया मैं रब दे दर ते आ ते सही ना तू मैं रब दे सामने सजदा कर ते सही ना देख मैं रब तेरियां आहो जारियां किंज कबूल करना वा देख मैं तेरे रब तेरियां किवें परेशानियां दूर करना वा मैनू मेरे एक दोस्त ने गल सुनाई आंदा यार अब्दुल गफार तेनू की दसा ए दुनिया सारी बेवफा है ए दुनिया सारी बेवफा है लोकां कोल एक वारी मंगोगे ना तुहानू खुशी खुशी देन नाल दे देंगे दो वारी मंगोगे दे देंगे जदों तीसरी वार मंगोगे देंगे नहीं अगो ताना देंगे हजरात ते मोहतरम रब दी जात इंज दी जात है रब दे सामने लोकां कोल मंगिए ते लोग नाराज हुंदे ने रब दे कोल मंगिए ते रब्बुल आलमीन खुश होंदे ने कि बंदा मैं रब दे कोलो सवाल करदा पिया है मेरा बंदा मेरे रब दे दर ते आ रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने दुनिया कायनात दे लोगों अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने जेड़ा कोई बंदा मेरा बंदा मेरे दर ते आंदा ना जदों कोई बंदा नितामतियां सुने के मैं रब दे सामने आ जांदा है अखियां हुदारियां करदा ना इंज मैं रब दे सामने हाथ फैलांदा ते अल्लाह फरमांदे ने मैं रब नूं शर्मांदी है मैं अपने बंदे दे हत्थां नूं वापस खाली मोड़ देवां अल्लाह फरमांदे ने मैनूं शर्म आंदी है मैं अपने रब अपने बंदे दे हत्थां नूं खाली वापस मोड़ देवां लगदा है कि स्पीकर बंद हो गया फरमांदे ने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने कि मैं रब नूं शर्म आंदी है मैं अपने बंदे दे हत्थां नूं वापस खाली मोड़ देवां हजरात ते मोहतरम रब दे सामने इंतजामा करो अल्लाह दे सामने इंतजामा करो अल्लाह फरमांदे ने बंदिया तू मैं रब दे दर ते आएगा मैं कदे भी तेनूं वापस मोड़ांगा कदे भी वापस मोड़ांगा नहीं मोड़ांगा आइए हजरात ते मोहतरम नूं बात याद आई ए जनाबे वाला एक जनाब हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा और माँ जी आयशा दे जो तोहमत लगी ना मुनाफिकीन ने जनाब तोहमत लगाई उस वक्त माँ जी आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने किंदा दरवाजा खटखटाया किसी ने और नू किया या किसी सिद्दीक दे तरले कीते उमर नू किया नहीं अपने रब दे सामने आहुदारी कीती ते अल्लाह ने हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा दी दुआ नू कबूल कीता है कि नहीं कीता कीता है ना आइए अपने मालिक दे सामने झुकिए हबीबे किबरिया जनाबे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुनी इज्जत प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदो अल्लाह रब्बुनी इज्जत ने नबी पाक नु फतह मौका दे मौका दे जदो अल्लाह रब्बुनी इज्जत ने फतह ता की जिन्ने नबी पाक ने ऐलान कीता फरमाया है मेरे सहाबा जिथे अबू जहल दा बेटा इकरमा पा मिल जाए इकरमा मिल जाए ना इकरमा नु कतल कर दिया जे ओनु मोहलत ना दिया जे दवा दम कतल कर देना अल्लाह को लालम ते जनाबे वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इकरमा दी तलाश में जा रहे तलाश करनिया कर दिया जा रहे ने ते जनाबे वाला ए इकरमा दौड़ लगा देंदा किते समंदर दे विच बेड़े दे विच बैठ जांदा ते किते दूर दराज दा सफर कर देन चो शुरू हो जांदा अल्लाह अल्लाह ते जनाबे वाला सकश्ती दे विच बैठा होया अबू जहल दा पुत्र जिहड़ा नबी दा बड़ा वड्डा दुश्मन है नाल मुसलमान है जे नहीं होया कश्ती दे अंदर जा रहे है ते जांदियां जांदियां जनाब समंदर दे विच सैलाब आया है कश्ती हिलना शुरू हो जांदी है ते जनाब लोग लात मना ते उस्सा नु पुकार दे ने लोग जनाब लात मना ते उस्सा ते हुबल नु पूजदे ने ते इक बंदा विचो बोल के आंदा है लोगो ओ यार इत्थे लात ते मना ते उस्सा ने कम नहीं जियाना इत्थे लात ते मना ते उस्सा ने नहीं तुहाडी सुननी अगर तुसी पुकारना है जेड़ा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नु पुकार दे ने ना उस अल्लाह दे सामने इल्तिजा करो ना अल्लाह पाक तुहानू इस आफत तो कोलों बचा सकदे ने और कोई नहीं बचा सकदे अल्लाह लाला ते जनाबे वाला इकरमा ने दिल विच सोचिया है कि नबी पाक अगर ना फड़िया कर ओ तैनू एक वजीफा दसा अल्लाह राजी करिया कर अल्लाह राजी करिया कर जद कोई सिर ते मुश्किल आवे होंदे तो ना डरिया कर ओ तैनू एक वजीफा दसा अल्लाह राजी करिया कर अल्लाह दा कुरान फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين حضرات अल्लाह के सामने अपनी आहुजारियां लेके आओ अल्लाह के सामने इल्तिजावां करो मौजू है जो बड़ाई पिया होया सी जिंदगी रही तो फिर दसांगे इंशाल्लाह ओ लोग कि जिन्हां लोगों की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता वो किहड़े लोग ने जिन्हां की अल्लाह दुआ कबूल करता है फिर मौका मिले तो इंशाल्लाह बयान करांगे अल्लाह मालिक अगे दुआ है कि जो मैं बयान किया और जो तुस अहबाब ने समाज फरमाया अल्लाह सानू सारयां नू इहदे ते अमल करन की तौफीक अता फरमाए وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين।